हरमन ज्योत इंडियन रिएक्शन के नाम से एक चैनल है जो इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। तो इनका नाम है यूट्यूबर का, जिन्होंने अभी सुबह ही बताया है कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। आज की वीडियो हम देखते हैं उन्होंने इस्लाम को क्यों कबूल किया है, वो सब जर्नी उन्होंने उस वीडियो में बताई है। देखिए फ्रेंड्स, उनकी जो वीडियो थी वो भी इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन देते थे, लेकिन अब इतना इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन देते देते उनको इस्लाम से इतना प्यार हो गया कि इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया, और ये देखकर सब शॉक्ड है। देखिए भाई, हम भी शॉक्ड है। सुबह से हमने वीडियो देखी है, इस्लाम कबूल कर लिया उस बंदे ने। मैं आई थिंक मे बी सिंह लग रहा है, तो परम सिंह है उनका नाम, सिंह नाम है, तो आई थिंक वो सिख होंगे। तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया। एक शॉकिंग वीडियो है, आप भी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। देखते हैं उनका क्या कहना है इस्लाम कबूल करने के बाद। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करें। इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ, मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, बेशक इस्लाम राह हिदायत है और बेशक इस्लाम राह निजात है, और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए कयामत तक ये एक हकीकी सच्चाई है। चूंकि हिदायत देने वाला अल्लाह है, इसीलिए ये कोई नहीं जानता किसको किस वक्त हिदायत मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका कई जगह पर जिक्र किया है। इसकी मिसाल दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अय्याशी वाली जिंदगी को छोड़कर, इस दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है। बेशक वो लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत ही खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह हिदायत नसीब फरमाता है। दोस्तों, इसी सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया के एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर परम सिंह ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, परम सिंह के बारे में थोड़ा सा बताएं तो परम सिंह का यूट्यूब पर हरमन ज्योत इंडियन रिएक्शन के नाम से एक चैनल है जिसमें 2.25 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और उसमें ये अपने भाई बहनों के साथ बैठकर इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन दिया करते हैं, और ये काफी सालों से इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर इस्लामी तालीमात का काफी गहरा असर हुआ, और जिसका फायदा ये हुआ कि ये इस्लाम कबूल करने से पहले ही 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करने लगे। दोस्तों, ये अपने कबूल इस्लाम की वीडियो में बताते हैं कि इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम तो एक जिंदगी जीने का तरीका है। जिंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका आपको इस्लाम से ही पता चलेगा और कहीं से नहीं पता चलेगा। लोग बोलते हैं कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। मैं भी 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज पढ़ने समय कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ ये मुझे ही पता है। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले से अच्छे से बात करना, अच्छा इखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना पड़ता है। और अगर गलती से कोई गुनाह भी हो गया तो अपने दिमाग पर इतना वजन देना पड़ता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना ज्यादा मैं बदल गया हूँ, मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ, और हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और इसके बाद वो कलमाए तौहीद पढ़कर मुशर्रब इस्लाम हो जाते हैं। इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं यार के इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। यार, मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ डेली, अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ मुझे पता है, मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचा हूँ। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को अच्छे से उससे बात करना, अच्छा अखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना, और अगर गलती से कोई गुनाह हो भी गया तो अपने दिमाग पे इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई, इतना ज्यादा वो हो गया हूँ मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इस्लाम कबूल किया है। यस, आई एम अ मुस्लिम। दोस्तों, आजकल के जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बजाय इसके कि वो इस्लाम का कुछ नुकसान करें, इस्लाम और तेजी के साथ फैलता जा रहा है। दोस्तों, हर एक दिन, हर एक रोज हम देख रहे हैं कि कोई न कोई फेमस सेलिब्रिटी, कोई न कोई फेमस एथलीट्स, फेमस यूट्यूबर, बड़े बड़े बिजनेसमैन हर रोज जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान पाक में फरमाते हैं, इसका मफहूम है जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुँचे और आप लोगों को देख लें कि वो जोग दर जोग दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने रब की हमद के साथ तस्बीह फरमाएं और उस रब से इस्तगफार करें, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां अपने दीन में दाखिल हो रहे हैं, वो कुरान को पढ़ रहे हैं, वो इस्लाम को समझ रहे हैं, वो रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर हो रहे हैं और उनके बताए हुए बातों पर अमल कर रहे हैं, उनकी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को तो और भी ज्यादा इबादत गुजार होना चाहिए, और भी ज्यादा हमें अपने दीन की अहमियत देनी चाहिए। हमें अपने दीन को हल्के में नहीं लेना है, हमें इस दीन को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाना है, और हम इसे लोगों तक अपने नेक आमाल के जरिए पहुंचा सकते हैं, अपने इल्म के जरिए पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई एक बंदा भी हमारे जरिए से दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो अल्लाह हमें इसका वो अजर देगा जिसका हम ख्याल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदा भी हमारे जरिए इस्लाम में दाखिल होगा और वो जितने भी अच्छे अमाल करेगा, वो जितने भी नेकियां करेगा, उसका पूरा पूरा अजर हमको भी मिलेगा। आपको उतनी ही नेकियां मिलेंगी जितनी नेकियां उस बंदे को मिलेंगी जिसने आपके जरिए इस्लाम को कबूल किया है। तो दोस्तों, अपनी अहमियत समझे और अपने दिल में अपने दीन के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करें। मतलब वो मैं उनके वीडियोस देखता भी था, पिछले जो रमजान में देखा था, वो रोजा रखते थे, ठीक है, तो ऐसा मेरे को भी शक हुआ था, ठीक है, और बहुत अमेजिंग ये वीडियो था। कल really. मैं भी देखी, इनका रिकमेंड हुआ कि ये इस्लाम कबूल कर लिए, बहुत ही अच्छी लगी। मैं देखी जाके वीडियो, बहुत ही, मतलब मैं थोड़ी शॉक हो गई थी, लेकिन कितनी अच्छी बात है, हो सकता है इनकी फैमिली का सपोर्ट हो तो तभी बता पाए, क्योंकि अभी ऐसे सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग इस्लाम कबूल करते हैं। एक चीज, हाँ, ये अपने वीडियो में बोले थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिएक्शन देते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, व्यूवर्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है वो लोग भी इस्लाम पे धीरे धीरे आ चुके हों रिएक्शन देते हुए, क्योंकि जब हम रिएक्शन देते तो बहुत, हम लोग भी पहले जानते नहीं थे कि इस्लाम यानी क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत अफवाहें थी इसमें कि जैसे कि ये खुद ही अपने वीडियो में बोल रहे, बहुत कट्टरपंथी है, बहुत ये, बहुत इसमें कट्टर कम रहते हैं लोग, ठीक है, मुस्लिम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने भगवान के लिए ही कट्टर रहते हैं, बस वो नमाज ही पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि और भी रिलीजन के लोग पूजा करते हैं वैसे ही सेम नमाज भी है, ठीक है, और इसका आपको ही प्रॉफिट होगा, अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आप ही को होगा, ना कि दूसरे इंसान को होगा, तो ये चीज बहुत एक अच्छी है। थैंक यू हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना शेयर करने के लिए, है ना। परम की ये वीडियो, मैं उनको खुद भी बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या बोलूँ मैं, आई एम सो इमोशनल एक्चुअली। मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में ढेरों अच्छा करें और आपको अल्लाह हमेशा 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 हिदायत पे रखें, और आप ऐसे ही दावत का काम जिस भी तरीके से, चाहे फॉर एग्जांपल आप किसी भी तरीके से करते रहे, लोगों तक अपनी ईमान की स्टोरी पहुंचाना एक बहुत बहुत गट्स की चीज़ होती है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना, 2 साल के बाद एक्सेप्ट किया, अब 3rd ईयर में आप उस चीज़ को बता रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ गट्स, सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, अच्छी बात है, इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म नहीं, उसको कबूल करना एक अलग चीज़ है, उस पर टिके रहना एक अलग चीज़ है, असली है या झूठ है ये सब कुछ जो मैंने अभी देखा है, ये परम जो यूट्यूबर हैं, क्योंकि आजकल एक्टिंग में और रियलिटी में आप फ़र्क नहीं देख सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है कि कुछ लोग एक्टिंग करते रहते हैं और कुछ लोग तो सालों साल चलते रहते हैं, सबसे शुरू से कहते हैं कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है ये धर्म, मुझे बहुत प्यार है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, लेकिन वो कई सालों तक उससे पैसा खींचते रहते हैं, पैसा बनाते रहते हैं, उसके बाद जाकर कह देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं एथीस्ट हूँ, मैं ना इस धर्म को मानता हूँ ना इस धर्म को मानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो सबसे पहली बात, अगर इन्होंने कबूल किया बहुत अच्छी बात है, ये टिके रहें, अगर इसलिए लगा रहा हूँ यार क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक्टिंग करते हुए, बाद में पता चलता है कि यार बड़ा दुख होता है बाद में कि यार उन्होंने ऐसे एक्टिंग की, लोगों के इमोशंस के साथ खेला, फिर वो
अपने दूसरे उस पर आ गए, अपने पुराने ज़िंदगी पे आ गए। सो अगर इन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, इस्लाम से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। अगर हिदायत असलियत में मिल जाए किसी को तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये बात सच है। हमने उनको देखा है, एंड्रयू टेट करके हैं जो एक उन्होंने मतलब जो खिलाफ में बुक लिखने जा रहे थे वो इस्लाम के फेवर में आ गए, तो ऐसे लोगों को भी देखा है हमने। बहुत ही अच्छी वीडियो, आप भी अगर देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी यूट्यूबर भाई ने इस्लाम कबूल किया तो बहुत ही दिल से शुक्रिया, दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन उनको। तो कहते मैं पढ़ती भी हूँ कि मुस्लिम ना जो बहुत कट्टरवादी होते हैं वो, हाँ वाकई में कट्टरवादी होते हैं, पर अल्लाह के प्रति वो अल्लाह के प्रति ना तो गलत करने देते हैं ना सुनते हैं। तो बहुत ही इस्लाम तो बहुत ही अच्छा है कि जीने का तरीका, इस्लाम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब से मैं वीडियो बनाने लगी ना इस्लाम के ऊपर तो मुझे खुद जानकारी मिलती है, सुकून सा मिलता है, जो नॉलेज नहीं थी उसके बारे में मुझे नॉलेज मिल रही है। तो मेरा तो कहना है कि बहुत अच्छा इस्लाम, कमाल हो गया, आश्चर्यचकित हो गया हूँ, चेंज हो गया। वैसे सोच को बदल दिया इस्लाम ने उसकी, यार कमाल। काफी टाइम से हम भी इसको लड़के को देखते हैं क्योंकि हम भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं इसी पे, इस्लाम पे रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, इसको भी हम देखते हैं, कमाल होगी वैसे इस लड़के की ना, मतलब सोचा नहीं था हमने कि एकदम से उसकी वीडियो आएगी। ये परम सिंह नाम का लड़का ये भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था वैसे अभी, वो स्टडी क्योंकि इसको 3 साल हो गए बनाते, हमें अभी 3 महीने भी नहीं हुए होंगे ना, इसको 3 साल हो गए इस्लाम पे, इसने काफी कुछ सीख लिया होगा इस्लाम के बारे में। देखिए जैसे रिएक्शन, जैसे हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, इसने बहुत कुछ सीख लिया होगा। जैसे रिएक्शन देने से पहले इस्लामिक वीडियो पर हम इस्लाम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल। जब हमने रिएक्शन दिया तो पहले हम भी काफी नेगेटिव थॉट रखते थे इस्लाम के बारे में कि ये दहशतगर्द होते हैं, इसमें इस्लाम में कुरान में यही सिखाया जाता है कि लोगों को मारो या जो भी, हम ये सोचते थे जो हमने देखा था मीडिया पे। लेकिन जब हमने इस्लाम को पढ़ा कुरान में, हमने जो रिएक्शन देखी, वीडियो देखी, तो ऐसा तो भाई कहीं नहीं है कि कुरान ये कहती है दूसरों को मारो, हमारी भी सोच चेंज होती जा रही है। मतलब कि थोड़ा अच्छा है कि जैसे उन्होंने बताया कि जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो उसकी इज्जत करना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये चीज बातें हैं जो इस वीडियो में उन्होंने बताई हैं। अगर आप भी पढ़ोगे सीखोगे आपके मन में भी ये सब गलत बातें नहीं रहेंगी इस्लाम के बारे में, ये हमारा हम तो कट्टर विश्वास है, नहीं रहेगा आपके मन में। हम तो ये कोशिश करते हैं, देखिए हर बार कहते हैं कि दुनिया में आप रहते हो तो दुनिया में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, सब मिलके रहें, और कभी भी ऐसे जो मारामारी का माहौल बनता है ये सब नहीं होना चाहिए, सब मिलके रहें, प्यार से रहें, तो यही हमारा एक मैसेज होता है। तो अगर इस्लाम ये सिखाता है तो अच्छी बात है, आपको ये बात सीखनी चाहिए कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। परम सिंह की वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमने काफ़ी वीडियो पर रिएक्शन दिया है लेकिन इस लड़के की वीडियो पर रिएक्शन दे के या इस वीडियो को देख के मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आपका क्या कहना है फ्रेंड्स इस बारे में, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।